हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे वेलकम करता हूं। और फिर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सेमेस्टर 4 इनकम टैक्स का पेपर 2 लेके आ रहा हूं। आपका इनकम टैक्स का एग्जाम्स होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और पेपर्स का पैटर्न्स पता हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस पेपर में, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं एक बार दिखाऊंगा आपको कि इस पेपर में हम किस पे बात करने जा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर है, देखिए फोर्थ सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉयर्स एंड अकाउंट्स और पेपर 2 है। कौन सा पेपर है? 2 है। आइए 40 क्वेश्चंस के एमसीक्यू से बात करते हैं। क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स। जो इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 214 में कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है, उसके अंदर कैपिटल एसेट्स क्या नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट, जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। कार पर्सनल, कार ऑफिस का है, प्रोफेशन का है तो कैपिटल एसेट्स है, पर्सनल कार कैपिटल एसेट्स नहीं। हाउसहोल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर कैपिटल एसेट्स नहीं है। यानी ये चारों कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। कैपिटल गेन अराइजेस, कैपिटल गेन कब होता है? जब प्रीवियस ईयर में एसएससी ने अपना कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया हो। बिजनेस कैपिटल, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कब होगा कैपिटल गेन? जब प्रीवियस ईयर में एसएससी ने अपना पूरी संपत्ति बेचा, ट्रांसफर किया हो। थर्ड, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 317 था और इस बार जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 348 होगा। करंट में, यानी क्या होगा आपका? 348। तो ये आपका आंसर है। 2021-22 में ये था। कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स विल बी टैक्स फ्री एसटीसी। हाँ, जो एसेट्स डेप्रिशिएट करते हैं, जिस पे डेप्रिशन कट के एसेट्स की वैल्यू आती है, उस एसेट्स को आप बेचते हो तो उस पे जो गेन होगा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। फिफ्थ, एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल। कैपिटल गेन में जब हम मकान बेच के जो पैसा कैपिटल गेन बनाते हैं, फिर से वो पैसा अगर हम मकान में लगा दें तो एग्जेम्पशंस मिल जाती है। तो पूछ रहा है ये छूट किसको मिलता है? ऑल एसएससी नहीं, इंडिविजुअल से नहीं, इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। यानी 54 की जो छूट मिलती है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। सिक्स, इफ अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स देयर विल बी कैपिटल गेन टू। एक कंपनी अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती, एक कंपनी भी डिबेंचर्स खरीद सकती है, हालांकि कंपनी अपने शेयर होल्डरों को जो शेयर्स दे चुकी है उसमें से कुछ शेयर्स वापस ले सकती है। That is called buy back of shares. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Buy back of shares. Buy back of shares. Buy back of shares. एक कंपनी जो अपने शेयर्स से होल्डर्स से वापस, तो बाई बैक ऑफ शेयर्स होता है। और इस पे जो कैपिटल गेन लगता है वो शेयर होल्डर के लगता है, ना कि कंपनी के लगता है। सेवन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स विल बी नील। कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जब हम एसेट्स बेचते हैं और हमारा एसेट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखते हैं, वह एसेट्स जो 36 मंथ के अंदर बेच दिया गया है शॉर्ट टर्म है, और जो ऐसे 36 मंथ या उससे ज्यादा रख के बेचा गया वो लॉन्ग टर्म है। शेयर केस में 12 महीने के अंदर बेचा गया शॉर्ट टर्म, 12 महीने या उससे ज्यादा रख के बेचा गया तो लॉन्ग टर्म। जो हम जो एसेट बेचे वो लॉन्ग टर्म है तो जितने में खरीदे थे उसको इंडेक्सिंग करते हैं। तो पूछ रहा है कि कुछ केसेस में वो इंडेक्सिंग नील होता है। बोनस शेयर्स अक्वायर्ड बिफोर अप्रैल, नहीं इसके बाद, अगर अप्रैल 1, अब यह ए रूल चेंज हो गया है, यहां पर 2001 आ गया है। अगर आप 2001 के बाद बोनस शेयर पाए हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, यहां राइट आंसर होगा वह एसेट जो हमने खुद बनाया, लाइक गुडविल, रेंट टेनेंसी, तो ये एसेट्स खुद बनाया तो इसका एक्विजिशन कॉस्ट नील होता है। एट क्या है? लायबिलिटीज टू एडवांस टैक्स अराइजेस। एडवांस टैक्स, हम जो हमारा ईयर है उसी ईयर में हम कुछ न कुछ टैक्स देते जाते हैं जिससे कि हमारा बर्डन कम हो, इसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसा तब होता है जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर बनती है। लायबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स टू अराइजेस व्हेन टैक्स पेबल इज मोर देन 10,000। आगे 9 क्या है? कैपिटल गेन और अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। कैपिटल किससे बनता है? पर्सनल पेशेंट कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर बनता है। क्वेश्चन 10,
फॉर व्हाट पीरियड शुड लैंड बी हेल्ड बाय एन एसएससी टू बी अ लॉन्ग टर्म, 36 महीने बताया ना कौन लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स को 36 महीने या उससे ज्यादा रख के बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स इज शॉर्ट टर्म, ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, ठीक है, शॉर्ट टर्म, वह एसेट्स जिसका जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसकी वैल्यू घटती जा रही है उसको बेचेंगे तो उस पे कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। तो 12, डिविडेंड डिक्लेयर बाय डोमेस्टिक कंपनीज टैक्सेबल शेयर होल्डर के लिए इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। 13, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स आर कैजुअल इनकम एंड दे आर फुली टैक्सेबल, अगर आप लॉटरी से क्रॉसवर्ड पजल से कैजुअल इनकम जीते हैं तो फुली टैक्सेबल होता है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर, कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर में बिल गिफ्ट दोनों नहीं आता है, ठीक है। 15 क्या है पढ़िए, कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इन टू, कैपिटल गेन को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता, यानी आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, और यहां पे 2 कैटेगरीज होगा, कितने कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 16, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इज डन अंडर द विच सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 14(8) में होता है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज नॉट अप्लीकेबल टू, देखिए इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म एओपी इन सब पे अप्लीकेबल होता है, अप्लीकेबल होता है। अगर 20 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तब तो ये अप्लीकेबल किसी के ऊपर नहीं होगा, बट 20 लाख से ज्यादा है तो अप्लीकेबल होगा। तो ये यहां कुछ अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, इससे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, और यहां लिख दिया होगा टोटल इनकम 15 लाख, तो ये इन पे किसी को अप्लाई नहीं होता, तो ये आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चंस पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाए तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में AMT कहते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये अप्लीकेबल होता है मेनली कॉर्पोरेट्स के लिए, लेकिन नॉन कॉर्पोरेट में तब भी 20 लाख से ज्यादा हो, तो हमारे ख्याल से ये आंसर ज्यादा सूटेबल लग रहा है, चेक कर लीजिए। रेंट रिसीव बाय अ टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, ए का मकान बी किराए पे लेके सी को दे दिया, तो ए को मिलने वाली इनकम बी से हाउस प्रॉपर्टी है, बी को मिलने वाली इनकम सी से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी वह सैलरी जो अदर सोर्स में जाती है, पढ़िए, सैलरी ऑफ पार्टनर नहीं, सैलरी ऑफ कर्ता नहीं, सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP MLA MLC को मिलने वाली सैलरी अदर सोर्स में जाता है, क्योंकि ये इंप्लॉय नहीं होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टैक्सेबल इन द सैलरी नहीं, टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डायरेक्टर फीस जो मिलता है अदर सोर्स में जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट थ्योरी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, पैन मस्ट बी कोटेड व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक एक्सीड्स 50,000, 50,000 से ज्यादा पैसा अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो पैन की रिक्वायरमेंट्स होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल फर्स्ट ड्यू ऑन 15 जून, पहला इंस्टॉलमेंट जो एडवांस का होता है 15 जून को होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स इन रिटर्न इज डन अंडर सेक्शन 154 में, यह है फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन इंटरेस्ट द प्रिस्क्राइब फॉर्म, अगर आपके पास सैलरी की इनकम है, फैमिली पेंशन है, इंटरेस्ट है, तो ITR 1 आपको फाइल करना होगा। 26, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, माइनर चाइल्ड की इनकम अगर 18 साल से कम बच्चा है तो माइनर है, अगर वो कुछ इनकम हो रही है तो मदर फादर बसरते वो इनकम उसके अफर्ट से ना हो, उसके टैलेंट से ना हो, वो मदर फादर चलते तो वो इनकम मदर फादर में जुड़ जाएगी, मदर फादर दोनों कमा रहे हैं तो जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें ऐड होगा, फादर में नहीं मदर में नहीं, पेरेंट्स हुज इनकम इज ग्रेटर, यानी जो पेरेंट्स में ज्यादा कमा रहा होगा उसके में ऐड हो जाएगा। रेट ऑफ TDS लॉटरी पे TDS रेट 30% होता है, 30%। माइनर्स इनकम सैलरी इंक्लूडेड इन द एस और माइनर इनकम
पेरेंट्स इनकम तभी जुड़ेगी जब 1500 से ज्यादा हो। तो क्या दिया है, माइनस इनकम सैलरी इंक्लूडेड इन द इनकम इफ इट्स एक्सीड्स 1500, अगर 1500 से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी माइनर इनकम जो पेरेंट्स इनकम में जुड़ती है तो 1500 रुपए का छूट मिलता है, अगर 2500 कमाया है तो 1500 छूट मिलकर सिर्फ 1000 ऐड होगा। 29 लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही पूरा होगा, कहीं और से पूरा नहीं होगा। 30 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी कैपिटल गेन से पूरा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा होगा। 31 लॉस ऑफ कार्ड गेम्स, कोई भी कैजुअल इनकम सेट ऑफ नहीं होता है, कार्ड गेम उसी में से है, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम नन ऑफ दीज, यानी कैजुअल इनकम का लॉस कभी सेट ऑफ नहीं होता है। 32 लॉसेज ऑफ स्पेकुलेटरी बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग, जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया है वो आगे 4 साल जाएगा वो स्पेकुलेशन बिजनेस से पूरा होगा 4 साल तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस प्रीवियस ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा नहीं हो पाया तो वो आगे जाएगा 8 साल तक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा होगा। 34 डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G अलाउड इन 80G जो है वो डोनेशंस के रिगार्डिंग है, जो हम दान देते हैं उसके रिगार्डिंग। 35 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज मेड बाय, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है किसके इनकम में से, जो पेमेंट्स करता है यानी पर्सन मेकिंग पेमेंट्स। 36 द लास्ट चेन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो अथॉरिटी होती है ना उसमें सबसे नीचे कौन होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, डिप्टी कमिश्नर, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे लास्ट में होता है। 37 द मैक्सो अमाउंट्स अलाउड अंडर सेक्शन डिडक्शंस 80C, 80C में 1.5 लाख रुपए का क्या मिलता है, डिडक्शंस मिलता है 80C मैक्सिमम। 38 डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80DD फॉर सीवियर डिसेबिलिटी इज अलाउड टू फिक्स सम, ये 1,25,000, 75,000 सीवियर के लिए नहीं होता है, अगर सीवियर है तो 1,25,000 नहीं तो 75,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन लोन के लिए है, अगर आपने एजुकेशन के लोन लिया है तो होम लोन नहीं, कंप्यूटर लोन नहीं, लोन टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, यानी आंसर नहीं दिया है, यानी किसके लिए ये एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन के लिए। अगर आपने अपने हायर स्टडीज के एजुकेशन के पर्पज से लोन लिया है तो उसकी छूट आपको 80E मिलेगी। 40 डिडक्शन 80P इज अलाउड, किसको मिलता है, NSSC नहीं, पार्टनरशिप फर्म नहीं, इंडिविजुअल नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, यानी 80P का डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलता है। ये था इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर पेपर 2 का सॉल्यूशन, एक बार जरूर देखिए, मे बी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सारे फ्रेंड्स को इसका लिंक जरूर भेजिए। इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस लेके आएंगे, आपका शुरू में इनकम टैक्स है इसलिए मुझे लगा कि पेपर पहले आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए, मैंने कर दिया। फिर अभी आपका 2 पेपर एंटरप्रेन्योरशिप का, 1 पेपर मार्केटिंग का बचा हुआ है, उसको भी 1 से 2 दिन में हम प्रोवाइड कर देंगे। और सेमेस्टर 4th के सारे MCQs हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप वहां जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, चाहे इनकम टैक्स का MCQ हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप का, चाहे मार्केटिंग का, सब उस पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर अदर्स पेपर्स के सॉल्यूशन्स मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।